Hello, my lovers out there. This is ARK representing ARK 9. Dear all, Secretarial Audit Compliance Management, Audit Principles and Techniques. सबसे पहले important question. जी हाँ, exam के लिए most probable question आपके screen पे ये रहा. ये the auditing principles define governing an audit and includes the professional responsibilities which should be observed by auditor while carrying out by audit assignment. This is one of the most important question from this chapter. जी हाँ, और याद रखिएगा इस chapter का postmortem हम दो classes के अंदर कर देंगे. So ध्यान से देखिएगा क्योंकि on an average 5 marks के लिए question इस chapter से हमेशा ऐसे आके बैठ जाता है. अब कोई बच्चा बोलेगा सर अगर 10 मार्क्स का होता तो सोचते, अरे 10 मार्क्स का छोड़ो ना, तुम 5 मार्क्स का, मैं तुम्हें कंफर्म बोल रहा हूँ. ऑलराइट, सो पे अटेंशन, ध्यान सीखेगा और याद रखिएगा मैं मॉड्यूल से आपको कंफर्म बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चंस ना उन कैटेगरी में ही फॉर्म में आते हैं. सो अवेयर रह के पढ़िएगा, ठीक है, जागकर पढ़िएगा, अटेंशन के साथ पढ़िएगा. आइए सीखते हैं फटाफट से. अब यहाँ ना पहले हम बात कर रहे हैं कि प्रोफेशनल एक तरीके से देखा जाए कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं. जी हाँ, ऐसे प्रिंसिपल जो प्रोफेशनल्स को फॉलो करने चाहिए और होने चाहिए एक प्रोफेशनल में. अब बहुत सिंपल सा टॉपिक है यार, है ना, फटाफट से अगर ये क्वेश्चन आ गया 5 नंबर अपने अभी से रख लो, अभी से याद कर लो, याद करवा रहे हैं, ठीक है. देखिए क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए एक ऑडिटर को वाली कंडक्टिंग ऑडिट. कहता है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस. भाई सीधी सी बात है, कैसा होना चाहिए ऑडिटर? ऑडिटर ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो, इम्पार्शियल हो, इंडिपेंडेंट हो. मतलब सर ऑनेस्ट का मतलब आप जानते हो ना कि यहाँ पर मिस स्टेटमेंट्स हैं और आप जानते हो भी इग्नोर कर रहे हो क्योंकि मैनेजमेंट के दबाव में हो. दबाव में नहीं हो, दरअसल लालच में हो, तो ऑनेस्टी होनी चाहिए. इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस. इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, पास पकड़ में आ रहा है इंटीग्रिटी. ये इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? ऑनेस्टी. ऑनेस्टी होनी चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए. मेरे से बोलो ना यार, ये याद करना है अभी भाई, ये याद करना है हम लोगों को. ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, ऑलराइट. ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, इंपार्शियल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बाइस. फ्री फ्रॉम बाइस मेरे मामा के या मेरा रिलेटेड पार्टी है, सो मैं यू नो व्हाट, अभी ऐसा ओपिनियन ड्रॉ नहीं करूंगा जो एडवर्स हो जाए. मतलब ऑडिटर बाइस नहीं होना चाहिए एंड शुड बी मैन ऑफ द हाई इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी. सो पहला हमने बयान देखा, पहला प्रिंसिपल जो फॉलो करना चाहिए. और क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन को वापस पढ़ लो एक बार. ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स डिफाइंस गवर्निंग एन ऑडिट एंड इंक्लूड्स द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच शुड बी ऑब्जर्व बाय ऑडिटर व्हाइल कैरिंग आउट ऑडिट असाइनमेंट. और ऐसा होगा जब वो ऑडिट कंडक्ट कर रहा होगा तो ये बातें ध्यान रखनी होंगी. क्या? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस. फिर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू क्या कहता है? कॉन्फिडेंशियलिटी. अब ड्यूरिंग द यू नो व्हाट ऑडिट ऐसा होता ही होता है कि बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज में आती है. आपकी नॉलेज का मतलब है ऑडिटर के, ठीक है. अब जब ये नॉलेज में आती है तो भाई इन इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल ही रखना है, ना है तो आप और ना ही आपकी ऑडिट टीम इस इंफॉर्मेशन का किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल करे. लेट्स अंडरस्टैंड इट. रेस्पेक्ट, ऑडिटर शुड रेस्पेक्ट confidentiality of information acquired during the course of his work and should not disclose information without a prior permission. लेकिन अगर law कह रहा है, there is a legal duty to disclose. अगर law कह रहा है, वैसा नहीं है, समझ लो कोई entity है, समझो ध्यान से, बड़ी important चीज है. मान लीजिएगा A limited एक company है जिसकी आप audit कर रहे हैं और A limited के ऊपर चल रही है inspection. क्या चल रहा है? inspection. और inspection authority जो है वो जो उसका auditor है उससे पूछ रही है, भाई बता तेरे को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा. बोले कि सर सर आई बिलीव इन ऑडिट प्रिंसिपल्स सर, आई कैन नॉट डिस्क्लोज. अरे भाई डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो तेरे ऊपर लीगलिटी एक्शन, तेरा लीगल एक्शन ले लेंगे. सो व्हाट आई एम सेइंग, कॉन्फिडेंशियल रखना है इन्फॉर्मेशन को. ऑफकोर्स ऑडिटर शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ही शुड नॉट डिस्क्लोज दिस इन्फॉर्मेशन अनलेस एंड अंटिल इट इज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ. राइट, तो पहला बात क्या याद करा? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस. इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस. सेकंड क्या याद किया हमने? कॉन्फिडेंशियलिटी. याद रखना टेक्निकलिटी नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं जा रहा हूं उसमें. पॉइंट नंबर थर्ड आता है स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस. भाई देखो समझो, जिस तरह का ऑडिट असाइनमेंट मिला है उसी के अकॉर्डिंग स्किल्स और आपका कॉम्पिटेंस होना चाहिए. क्या कह रहे हैं? स्किल्स और कॉम्पिटेंस होना चाहिए. इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ऑडिटर अपने आप को इंप्रूव करते रहे अपने स्किल्स में, जैसे नए नए चेंजेस क्या आ रहे हैं. जैसे अभी सेक्रेटरी के केस में क्या है, कंपनी सेक्रेटरी केस में क्या है, नए नए रेगुलेटरी चेंजेस क्या रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज इश्यू करी हैं, क्या नया इनिशिएटिव ले जा रहे हैं, कंपनीज कैसे अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को और रोबस्ट बना रही हैं, इसके बारे में अवेयर होना जरूरी है. सो स्किल एंड कॉम्पिटेंस द एक्वायर. देखो द ऑडिटर मस्ट एक्वायर एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस. He should competent, skillful and keep himself abreast of the latest developments including various pronouncements.
लेटेस्ट डेवलपमेंट साथ में उसको क्या करना चाहिए अपने आपको जी एब्रेस करना चाहिए, मतलब सीखते रहना चाहिए। यू नो वॉट आई पर्सनली बिलीव कि आप अपना हमेशा यू नो वॉट एक से डेढ़ घंटा एवरी मॉर्निंग आप नए अमेंडमेंट्स नए चेंजेस जो आए उसको चेक करें, चाहे वो आप रेगुलेटर की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, खैर वो अलग पार्ट है। लेकिन यू नो वॉट अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, तो मेन फोकस इस पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या करेगा, इंप्रूव योर एक्सपीरियंस एंड यू शुड एब्रेस्ट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, याद रहेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। पहला पॉइंट क्या था, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। दूसरा क्या हमने कॉन्फिडेंशियलिटी, तीसरा क्या स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। फोर्थ पॉइंट वर्क परफॉर्म बाय द अदर्स। अब ध्यान सुनना, यूजली ऐसा होता है कि किसी किसी असाइनमेंट में आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाता है या किसी और की जरूरत पड़ जाता है, और का मतलब यहाँ पे जो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होता है, स्पेशलाइज होता है। तो क्या होता है कि ऑडिट के टाइम पर ऑडिटर कुछ काम अपना सम ऑफ द वर्क किसी और से करवाता है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो वर्क किसी और से करवाया जा रहा है तो ऑडिटर का ओपिनियन जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, नहीं, वो कंटिन्यू रहेगी। ऑडिटर का ओपिनियन ड्रॉ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। लेट्स अंडरस्टैंड इट, देखो कहता है इफ ऑडिटर डेलीगेट सम वर्क टू अदर्स एंड यूजेस वर्क परफॉर्म बाय अदर इंक्लूडिंग दैट ऑफ एन एक्सपर्ट, ही कंटिन्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिमेंबर वन थिंग, क्या उसका लायबिलिटी कंटिन्यू बना रहेगा, जैसे सपोज कीजिएगा ड्यूरिंग वाइल यू नो वट परफॉर्मिंग ऑडिट यू नो वट ही रिक्वायर्ड असिस्टेंस ऑफ एक्चुअरीज। एक्चुअरी समझते होंगे ना आप लोग, जो बेसिकली रिस्क जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिन ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ एक्चुअरीज अपॉइंट कहते हैं, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं। सो एक्चुअरीज की उसने असिस्टेंस ली, एक्चुअरीज ने अपना मान लीजिएगा कोई पर्टिकुलरली ओपिनियन दिया, वो फाइनली उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी किसको, ऑडिटर को। अब ऑडिटर जब अपना ओपिनियन ड्रॉ करेगा तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑडिट के लिए, जो ऑल ओवर ऑब्जेक्टिव ऑडिट की जा रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ऑडिटर, याद रहेगा। तो पहला इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी रटवा दूंगा बुद्धि के अंदर, समझा के रटवा दूंगा। पहला क्या, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। दूसरा हमने याद किया क्या, बोलते जाओ मेरे साथ, कॉन्फिडेंशियलिटी। तीसरा स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। चौथा क्या याद किया हमने, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, ठीक है सर। डॉक्यूमेंटेशन, अब एक बात हमेशा समझो, किसी भी अच्छी ऑडिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यहां पर यह है कि प्रॉपर ऑडिट एविडेंसेस होंगे, क्या प्रॉपर ऑडिट एविडेंसेस होंगे। वन मोर टाइम, अगर आपके पास प्रॉपर ऑडिट एविडेंसेस होंगे तभी तो भाई एक इफेक्टिव एफिशिएंट और टाइमली मैनर में आप क्या कर पाएंगे, ऑडिट कर पाएंगे। सो डॉक्यूमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट। देखो, ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट मैटर्स विच आर इंपॉर्टेंट प्रोवाइडिंग एविडेंस टू इंश्योर दैट ऑडिट वॉज कैरिड आउट इन अकॉर्डिंग विद द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, याद रहेगा। पांचवा याद रहेगा, ओके, डॉक्यूमेंटेशन। सिक्स पॉइंट आता है प्लानिंग। अब भैया बिना प्लानिंग के ऑडिट कैसे हो सकती है, सो प्लानिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू एनेबल हिम टू कंडक्ट द ऑडिट इन इफेक्टिव एफिशियंट एंड टाइमली मैनर। प्लानिंग का मतलब ही क्या है, समझो ना, प्लानिंग का मतलब ही क्या है। वैसे चिंता मत करो, ऑडिट प्लान पूरा डिटेल में इसी क्लास में डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, सो ऑडिट प्लानिंग का मतलब क्या है, आप पूरा प्रॉपरली प्लान करते हैं ऑडिट ताकि ऑडिट इफेक्टिवली एफिशिएंटली एंड टाइमली कंप्लीट हो सके, एंड एक्वायर द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स अकाउंटिंग सिस्टम, एक्सटेंट ऑफ रिलायंस दैट कुड बी प्लेस्ड ऑन द इंटरनल कंट्रोल, कोऑर्डिनेट टू द वर्क टू बी परफॉर्म। अब दो तीन बात समझो, क्या होगा प्लानिंग के थ्रू, हम समझेंगे कि क्या क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम किस तरीके का है, ठीक है, ERP पे काम कर रहे हैं वो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ERP पे काम कर रहे हैं वो, या SAP पे काम कर रहे हैं वो, या किसी और पर्टिकुलर यू नो टेली पे स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं, जो भी उसका अकाउंटिंग सिस्टम है उसे आप समझना जरूरी है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना भरोसा कर सकते हैं कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे। याद देखिएगा क्या होता है, समझेगा, ये पॉसिबल नहीं होता है ऑडिटर के लिए, मैंने पहले भी समझा आप लोगों को कि जो भी वो एविडेंसेस डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में या इंफॉर्मेशन के फॉर्म में या जो भी कम्युनिकेशन रिसीव कर रहा है वो एविडेंसेस कंक्लूसिव नहीं होते हैं, वो परसुएसिव इन नेचर होते हैं। और मजे की बात ये है कि ऑडिटर अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि थोरली यू नो व्हाट डीप इन्वेस्टिगेशन कर सके, ये नहीं होता है, समझना। ऑडिट में जैसे अगर सेक्रेटरी ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से कहें तो वो जनरली क्या ऑब्जर्व कर रहा है, कंप्लायंसेस एंड नॉन कंप्लायंसेस, बात पकड़ में आ रहा है। अब ऑडिट जब हम यहाँ पे प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो अगर मान लीजिएगा जनरली ऑडिटर को क्या करना चाहिए, पहले तो वो समझे अपने क्लाइंट के बारे में, दूसरा उसको क्लियर होना चाहिए कि अकाउंटिंग सिस्टम्स किस तरीके यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, तीसरा कितना भरोसा कर सकते हैं, एक्सटेंड टू द रिलायंस
किसके ऊपर भरोसे की बात कर रहा हूं, प्लेस ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कंपनी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कंपनी एंड कोऑर्डिनेट वर्क टू बी परफॉर्म. याद रहेगा 6 पॉइंट हमने अभी अभी याद किए हैं. पहला पॉइंट नंबर बोलिएगा, अरे 5 मार्क्स पक्का हो सकता है, याद कर लो. क्या करें, इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्ट, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस. दूसरा बोलो मेरे साथ में, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी. तीसरा पॉइंट क्या है, स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस. चौथा वर्क परफॉर्म बाय द अदर्स. पांचवा डॉक्यूमेंटेशन. छठा है से प्लानिंग. ट्रस्ट मी, ये क्लास देखते देखते याद करवाना है मुझे आपको, फिर आइएगा. कहता है ऑडिट एविडेंस, भैया बिना ऑडिट एविडेंस के कैसे ऑडिट होगी, आइए ना. द ऑडिट शुड ना ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशियंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, सफिशियंट एप्रोप्रिएट एविडेंस थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्लायंस एंड अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू एनेबल हिम टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ऑडिट एविडेंस, चिंता मत करना, और तो इनको आगे में ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट ऑडिट एविडेंस सब पे पूरा डिटेल समझाऊंगा, ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर 8, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल. मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एडिक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम इनकॉर्पोरेटिंग वेरियस इंटरनल कंट्रोल अप्रोप्रिएट टू द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस. अब जनरली होता ही क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल किसका काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट का कि प्रॉपरली कंपनी के अंदर एस्टैब्लिश किया जाए क्या, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ठीक है सर. अब यहां पे जो कह रहे हैं ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस. द ऑडिटर शुड एश्योर हिमसेल्फ दैट कंपनीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज एडिक्वेट एंड ऑल द इंफॉर्मेशन विच शुड बी रिकॉर्डेड हैज बीन रिकॉर्डेड. जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होना चाहिए वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है. जैसे देयर आर वेरियस ट्रांजेक्शंस, अब जो ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहे हो. बात पकड़ में आया, पॉइंट 8 तक वापस से रिवीजन होगा. इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, फिर बोलो वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, बोलो डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, ऑडिट एविडेंस एंड I8 वन इज अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल. नाउ द पॉइंट नंबर 9 इज ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग. ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग ऑन द बेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, क्योंकि भैया किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, ठीक है. ऑडिटर शुड रिव्यू एंड असेस द ऑडिटर कंक्लूजन. द ऑडिटर शुड असर्टेन एज वेदर द पॉलिसीज हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड, मतलब कंपनी पॉलिसीज, जो कंपनी पॉलिसीज बनी हुई है कि प्रॉपरली उन्हें अप्लाई किया गया. लेट्स टेक एन एग्जांपल, और फिर छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कंपनी ने CSR पॉलिसी बना रखा है, कंपनी ने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना रखा है, तो भैया बना ही रखा है या प्रॉपरली अप्लाई भी हो रहा है. सो ही विल इंश्योर क्या, कि वेदर द पॉलिसीज हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड. दूसरी बात, इन वेदर इंफॉर्मेशन कंप्लाइज विद द रेगुलेशंस एंड स्टैट्यूट रिक्वायरमेंट्स. जो इंफॉर्मेशन मिली है वो मान लीजिएगा लिस्टेड है कंपनी है, तो क्या वो सेबी के लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है. सो कह रहा है वेदर द इंफॉर्मेशन कंप्लाइज विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. थर्ड इज दिस एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मैटर्स. मटेरियल मैटर्स क्या हो सकते हैं, जरा समझना. एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, इस पे भी सेपरेट पोर्शन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्जांपल सुनो. मान लीजिएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, या किसी ऐसे ट्रांजैक्शन को समझेगा जिसमें पर्टिकुलरली कंपनी और पेरेंट कंपनी, मतलब पेरेंट कंपनी सब्सिडी कंपनी इन्वॉल्व है, या हम ऐसे बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन है या इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन है. अब क्या होता है ना, ये कहीं ना कहीं मेटलिटी बताते हैं. मेटलिटी का क्राइटेरिया क्या है, जिससे डिसीजन इन्फ्लुएंस होता हो, कंपनी के फाइनेंशियल्स डिस्टर्ब होते हो, कंपनी के फाइनेंशियल्स डिस्टर्ब होता हो, कंट्रोल पे कंपनी के इफेक्ट आता हो, मैनेजमेंट डिस्प्यूट अराइज होता हो. बात पकड़ में आ रहा है. सम ऑफ द एग्जांपल्स आई एम गिविंग फॉर मटेरियल इंफॉर्मेशन. सो ये देखा जाएगा, दिस एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मैटर्स रिलेवेंट टू द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट स्ट्रेचुरी रिक्वायरमेंट्स. सो पॉइंट नंबर 9 मैंने क्या सीख रहा है, ऑडिट कंक्लूजन और रिपोर्टिंग. ऑडिट कंक्लूजन रिपोर्टिंग इज बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंसेस. किस पे डिपेंड करता है, ऑडिट एविडेंसेस के ऊपर बेस करता है. उसमें क्या इंश्योर करेंगे बताएंगे, तीन बातें बताएंगे. पहला, वेदर द पॉलिसीज हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड. फिर वेदर द इंफॉर्मेशन कंप्लाइज विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड विद द एडिक्वेट डिस्क्लोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल मैटर्स. Material matters related to the presentation of information and subject to the statutory requirement. 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, समझ में आया. याद रखेंगे, ये प्रिंसिपल्स आ सकते हैं भाई, बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन इस चैप्टर से. चलिए याद देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन 7 के साथ बताने जा रहा हूं बुक के अंदर, तो मिस मत करा करो, ठीक है. आओ देखो, ऑडिटर रिपोर्ट शुड कंटेन अ क्लियर रिटन ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट मैटर एंड clean audit report indicates the auditor's satisfaction in all respect.
when a qualified adverse disclaimer of opinion is to be given or reservation of opinion on matter is to be made, auditor report should state the reasons thereof. Of course, जो findings रहेंगी उसके according वो बताएंगे कि किस तरीके की findings रहेंगी उनकी. Company में जबरदस्त non-compliances हैं, company compliances कर रही है. Company में ऐसे compliances जिसका consequences is a huge amount of penalty होगा, या company को suggest करेगा कि ये non-compliance है, please timely compliance कर लीजिएगा. ये सब चीज़ें हम देखेंगे जब हम finally audit conclude करेंगे. और ये सब कैसे होगा, जब हम सारी techniques लगा के देखेंगे. Now in case of statutory audit, the main object क्या होता है, statutory audit के अंदर main object क्या होता है, financial concern होता है. क्या होता है, financial, देखो, is to find out whether the financial statements prepared by company show the true and fair view. जब हम बात कर रहे हैं किसकी, जब बोल रहे हैं सर statutory audit, statutory audit के अंदर main concern क्या है, whether the financial statements presents true and fair view. अगर यहीं पर होता क्या secretarial audit, तो क्या concern होता कि जो non financial information है, मतलब company क्या compliances कर रही है as per the law, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए secretarial audit conduct करते वक्त ये main object हो जाएगा. Now फटाफट read करता हूँ, देखो यहाँ पर screen पे ध्यान दो, screen पे ध्यान दो. Financial affair of the company and if not then what respect they are not showing. However in case of a non financial audit, auditor is expected to report on the compliance status of the company on the various applicable laws of the company. तो यहाँ ध्यान से अगर देखें तो क्या conclude करेंगे हम, दो बातें मेरे साथ बोल लो मेरे भाई, याद करना है. आओ क्या कह रहे हैं, अगर financial term में बात करेंगे तो main objective क्या है, जो financial statement है वो कैसा present करता हो, true and fair view. और fair view का मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स स्टैंडर्ड्स उसे फॉलो करता हो. वहीं क्या हो सकता है नॉन फाइनेंशियल्स, इसके अंदर क्या है ऑडिटर का काम कि भैया कंप्लायंसेस, क्या कंप्लायंसेस, कंप्लायंसेस कैसे एज पर लॉ. अब कंप्लायंसेस पर लॉ का मतलब क्या हुआ, लिस्टेड कंपनी है तो क्या करेगी भाई, एलओटीआर कंप्लायंसेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इवेंट बेस्ड है, क्वार्टर कंप्लायंसेस हैं, हाफ ईयरली कंप्लायंसेस हैं, एनुअल कंप्लायंसेस हैं, किए नहीं किए इंश्योर करिएगा, बात पकड़ में आ रहा है. इसके अलावा भैया कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी हो रही है जो कंपनी से अकॉर्डिंग है, कोई रेक्टिफिकेशन है, ट्रांसफर ट्रांसमिशन है, अरे देन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज, सो ये इंश्योर करना है. याद रहेगा प्रिंसिपल्स, याद हुए, उम्मीद कर रहा हूं याद हो गए होंगे. ठीक है चलो, ऑडिट टेक्निक्स, ये भी अपने आप में छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे नहीं इंपॉर्टेंट, चिंता मत करूं, मैं पहले उस पर फोकस करवा रहा हूं जो तुम्हें पहले तैयार करवाने मुझे इस सेशन को देखते देखते. अब ऑडिट टेक्निक्स को समझो, यहां हमें पांच बातें याद करनी है. सेशन इस क्लास का क्या, सारी क्लासेस का एक ही मकसद, तुम क्लास देखो और याद करो, या देखो और याद करो, ठीक है, और फिर 5-10 मिनट निकाल के अपना एक बार और रीडिंग कर लिया, और मेरे को जो बता रहा हूं मैं लगातार टेस्ट जो चल रहे हैं टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए. ऑलराइट, फिर तो बुक ही याद हो जाएगा पूरा, समझ में आ रहा है. चलिए सो ऑडिट अगर हम बात करेंगे टेक्निक्स की, क्या क्या है, देखो जी, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, पहले पॉइंट्स ले लो मेरे से, पॉइंट्स ले लो फिर सबके पोस्टमार्टम कर देते हैं. इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड. अब डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स में इंस्पेक्शन करेंगे ना, देखो आदत है बोलने के बीच में, बता दें तुम्हें फिर रीड भी करवा देंगे. देखो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स की बात करेंगे ना, तो यहां पर क्या होना है, वाउचिंग एंड स्कैनिंग. वाउचिंग स्कैनिंग का मतलब क्या है भैया, जो डॉक्यूमेंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब कंपनी में जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जो कंपनी में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, हम उसे एग्जामिन करेंगे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू. बात पकड़ में आ रहा है, जैसे आपने कहा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ था, बोला अच्छी बात है, लाइए दिखाइए अप्रूवल, अप्रूवल कॉपी दीजिएगा, अप्रूवल से वेरीफाई कर रहे हैं, बात पकड़ में आ रहा है. कंपनी ने, सुनो ना, कंपनी ने क्या करा कि अपनी एक अंडरटेकिंग सेल किया जिसके लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड था, बोला अच्छा सेल किया था, बोला हाँ जी कर दिए, बहुत बढ़िया, लाओ दिखाओ स्पेशल रजिस्ट्रेशन का कॉपी, लाइए मिनट्स का है देखिए, ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं. इसी को सेम अगर मान लीजिएगा, मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से भी कह सकता हूं कि अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसकी वाउचिंग, ऑफकोर्स ये कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, कैसे एग्जामिन करें ट्रांजेक्शन को, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड से, क्लियर हो रहा है. और जब भी लगेगा कोई अनयूजुअल है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्लैरिटी नहीं है, तो स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी, अगेन हम डिटेल में उसको स्कैन करेंगे. सो एक हमारा टेक्निक क्या है, अभी और डिटेल बताएंगे ना, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, दूसरा है ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्या है ऑब्जर्वेशन, तीसरा क्या है इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन. जैसे अभी सर, अभी पहले पॉइंट याद कर लें नहीं तो मैं सब बता दूं यहीं पे ही फिर आएगा, ठीक है पकड़ में आ रहा है. चलो एक एक करके ले लेते हैं सबको, पहले
आ जाओ यहां से भी क्वेश्चन निकल निकल के आ रहा। देखो कहता है ऑडिट टेक्निक्स सेंस फॉर मैथड्स, देखो यहां से द मैथड्स दैट आर अडॉप्टेड बाय ऑडिटर, मैथड्स दैट आर अडॉप्टेड बाय ऑडिटर, मैथड्स दैट आर अडॉप्टेड बाय ऑडिटर और टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। टेक्निक्स का मतलब क्या है? द मैथड्स विच आर अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर, बोलो ना टेक्निक का मतलब क्या है? मैथड, टेक्निक्स का मतलब क्या है? मैथड विच आर अडॉप्टेड बाय ऑडिटर, या फिर कह रहा है टू ऑब्टेन एविडेंस, कौन से ऑडिट एविडेंस नहीं है, एंड परफॉर्म ऑफ ऑडिट एज पर द स्कोप ऑफ ऑडिट। बोलो मेरे साथ में एक बार, ऑडिट टेक्निक्स कैसे का मतलब क्या है यहां पर? कि मेथड्स व्हिच आर अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर और ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंसेस परफॉर्म द ऑडिट एज पर द स्कोप ऑफ ऑडिट। याद हुआ, ऑडिटर कैन अप्लाई वेरियस टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग व्हिच कैन बी मे बी अप्लाइड बाय द ऑडिटर अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस ऑफ ऑडिट। वेरियस टेक्निक्स क्या कौन सी हो सकती है? देखो पहला कहता है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, वापस से इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड, आइए verifying the various transactions, examine that supporting documents and records, examine supporting documents and records। जैसे मैंने अभी कहा related party transaction हुआ है तो ठीक है जी, कोई problem नहीं है, लाइए दिखाइए related party transaction के approvals, date, बात पकड़ में आया, या company ने मान लो कोई substantial assets purchase किया है, क्या कह रहे हैं substantial assets purchase किया है तो किस date पे किया है, लाइए चेक करवाइएगा। कंपनी की पर्टिकुलर एसेट्स, जैसे मान लीजिए डेप्रिशिएट हो रही है कोई, है ना, एसेट्स डेप्रिशिएट हो रही है, अब उसकी डेट ऑफ परचेज और उसकी वैल्यूएशन चेक कर रहे होंगे तो कैसे चेक करेंगे? डॉक्यूमेंट से। सो कह रहा है एग्जामिन द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, दिस कॉल इज वाउचिंग, इसे क्या बोलते हैं वाउचिंग, एंड कन्फर्म, इसका पर्पज क्या है? टू कन्फर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। आप समझते हैं ना, सपोज करो आप कोई मार्केट से कोई चीज लेकर आए, पापा ने आपके पूछा भैया कि बेटा क्या लेकर आया था आज, तुझे 10,000 रुपए दिए थे ना पूरे दिन में, तुमने क्या किया? पापा मैंने ये लिया ये लिया ये लिया। अच्छा अब मान लीजिए आपको डैडी कहता है ठीक है, और डैडी निकले मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, बोले ठीक है बेटा कंप्लेंसेस कर दो, कंप्लेंस का मतलब जो तुम लेकर आए हो वो हमारे सामने प्रेजेंट करो। सर ये रहा, अच्छा बिलिंग का इसके, सर ये रहे बिल्स, ये क्या हो रहा है? ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, जेन्युइन, जेन्युइनिटी चेक कर रहे हैं ना, जेन्युइन है नहीं, जेन्युइन नहीं है तो फिर गड़बड़ है, क्लियर? सो वाउचिंग क्लियर हो रहा है, वाउचिंग का मतलब क्या है? एग्जामिन द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, किस चीज के लिए? ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए। एंड अब ये क्या करता है? एंड टू फाइंड आउट वेदर द ट्रांजेक्शन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर एप्रोप्रिएट, फिर दूसरा टू इंश्योर वेदर द ट्रांजेक्शन ऑथराइज्ड, जैसे अभी मैंने कहा कि किसी पर्टिकुलर, अभी जैसे सपोज करो अंडरटेकिंग सेल करने वाला एग्जांपल दिया, या सब छोड़ो LGSI सुन लो, लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, अगर ये थ्रेशोल्ड के बाद होता है ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स स्पेशल रेजोल्यूशन, तो क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है? या एक और एग्जांपल समझो, दूसरे पर्सपेक्टिव समझो, मान लीजिएगा कंपनी के परचेस डिपार्टमेंट में HOD को पावर दे रखा है कि 5 लाख तक की परचेस 10 लाख तक की परचेस कर सकता है, तो अगर वो परचेज जो हुई है क्या वो उसकी अथॉरिटी में थी, ये चेक किया जाएगा, क्लियर? एंड टू इंश्योर वेदर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज प्रॉपर, बात पकड़ में आया? तीन चीजें चेक कर रहे हैं यहाँ पर जेन्युइननेस ट्रेस करने के लिए, सो ट्रांजेक्शन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर एप्रोप्रिएट, एंड वेदर द इंश्योर दैट द ट्रांजेक्शन ऑथराइज्ड, एंड इंश्योर दैट वेदर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज प्रॉपर। फिर देखो, व्हाइल द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट द ऑडिटर कम्स अक्रॉस द वेरियस रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, एंड इफ ही कम्स अक्रॉस एनी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन ही वेरीफाई द सेम थॉरली, दिस कॉल्ड स्कैनिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स। अब अगर उसे लगता है कि कहीं पर्टिकुलर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा जो अनयूजुअल है, आगे सुनना, अनयूजुअल अगर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से कहूं तो मान लीजिएगा किसी पर्टिकुलर एसेट्स की परचेज की गई है, ठीक है, कोई एसेट्स परचेज की गई है जो कि ऑन द रिकॉर्ड दिखा रखी है, मान लीजिएगा 10 मेजर मशीन्स दिखा रखी है कि मेजर मशीन उनके पास 10 है, ठीक है, अब इसकी वेरिफिकेशन कैसे हो सकती है? आप फिजिकली विजिट करके कर लोगे, आपने फिजिकली विजिट किया, बोले आपने हाँ 10 तो यहाँ पर है, ठीक है, अब प्रॉब्लम ये अराइज हो रही है कि 10 एक्चुअली है ये सिर्फ प्रेजेंट में, इसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन क्या करना पड़ेगा? फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ साथ में टाइटल चेक करना पड़ेगा कि कंपनी से बिलोंग करती है नहीं करती है, बात पकड़ में आ रहा है? तो कोई भी अगर किसी भी मैटर पे अनयूजुअल लग रहा है उसको तो वो क्या करेगा? थॉरली वेरीफाई करेगा, याद आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसे बोलते हैं स्कैनिंग, विच रिक्वायर्स एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, ऑडिटर कैन रिले ऑन द डॉक्यूमेंट्स, डिपेंड ऑन द ऑरिजिन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन ऑपरेशन, ऑल्सो रिटन कन्फर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कुड बी कंसीडर्ड इन द केस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आर नॉट अवेलेबल। तो अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट को इन राइटिंग उसके बारे में देना पड़ेगा, तो वही एज एविडेंस माना जाएगा।
Documents which have their origin in the hands of the third party help the third party are more reliable. ये देखो अभी example समझते हैं यहाँ पे. थर्ड पार्टी के पास है. थर्ड पार्टी का मतलब किसी रेगुलेटर के तुमने साथ फाइल किया हुआ है कंपनी के ऊपर एसेट्स के ऊपर. एग्जांपल समझना ध्यान से, ध्यान सुनो. कंपनी के एसेट्स पे ना चार्ज क्रिएशन हुआ है. चार्ज क्रिएशन हुआ है तो मतलब इसका मतलब आपने उसे चार्ज को रजिस्टर्ड करवाया है. रजिस्टर्ड करवाया है तो वो ROC का रिकॉर्ड में है, मतलब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है. अब आपको वेरीफाई करना है तो इजीली आप क्या कर सकते हो भैया, हाँ ये रिलायबल है चार्ज क्रिएशन की जो आपने यहाँ पे चेक किया डॉक्यूमेंट जो कि ROC के पास अवेलेबल है वो रिलायबल है थर्ड पार्टी. देखो यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं. ओरिजिन द हैंड्स ऑफ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड बाय थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन. रिलायबिलिटी अगर थर्ड पार्टी के पास है थर्ड पार्टी तो मोस्ट रिलायबल होगा. जैसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गए, फिर कह रहा है थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोर रिलायबल. कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट इशू बाय द अथॉरिटीज लाइक फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट्स. ऑर्गेनाइजेशन थर्ड पार्टी रिलायबल क्योंकि है किसके पास वो ओरिजिन उसका, समझो ना ओरिजिन किसका है ऑर्गेनाइजेशन के पास. कह रहा है हेल्ड बाय थर्ड पार्टी रिलायबल है. अब यहाँ पर समझो ना ओरिजिन जो है, देखो ना ध्यान से ओरिजिन टेबल में ऊपर देखो ओरिजिन किसके हैंड से ऑर्गेनाइजेशन से. हेल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन बोला अच्छा क्योंकि समझो जैसे एग्जाम्पल समझो आपने सर्टिफिकेट इन कॉपरेशन एग्जूम करो एक बार के लिए उसका ओरिजिन कहाँ से है. ROC ठीक है कंपनी के पास रहता है उधर ROC के रिकॉर्ड में रहता है ठीक है रिलायबल होगा. पकड़ मारा है बात. सेम ऐसे यहाँ पर समझाने की कोशिश करें. कोई डॉक्यूमेंट इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ऑर्गेनाइजेशन से. रखता भी कौन है उसको ऑर्गेनाइजेशन. तो रिलायबल ओनली इफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इफेक्टिव. क्या कह रहा है लाइक रजिस्टर्स डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स जो कंपनी मेंटेन करती है. बात पकड़ में आ रहा है कंपनी ROM मेंटेन कर रही है. यस सर. या कंपनी अपने फैक्ट्री पर रजिस्टर मेंटेन कर रही है पेमेंट्स का ठीक है. ओरिजिन भी कहाँ है फैक्ट्री पर रजिस्टर पेमेंट्स का रजिस्टर या अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं कहाँ पर हो रहा है फैक्ट्री में. ओरिजिन फैक्ट्री है. हेल्ड कौन कर रहा है फैक्ट्री में हो रहा है मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ओरिजिन हो रहा है. कहाँ रख रहा जा रहा है कौन रख रहा है उसको मेंटेन कौन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन ही. तो भैया रिलायबल जब भी होगा वो जहाँ पर प्रॉपर इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा. याद रहेगा सिंपल से बात. सो पहला हमने क्या समझा यहाँ पे इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स. इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स इसमें मेनली बात याद रखना मेन कॉन्सेप्ट उस पर क्या कहता है वाउचिंग एंड स्कैनिंग. वाउचिंग एंड स्कैनिंग क्लियर एकदम. अरे तू क्यों रुक गया भाई चल. चलो फिर हमने नेक्स्ट देखा हमारा ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन अब देखो कहता है ऑल्टर ऑब्जर्व अ पर्टिकुलर प्रोसीजर बीइंग कैरीड आउट बाय द ऑर्गेनाइजेशन. एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इंटरनल कंट्रोल मेजर्स दैट आर अडॉप्टेड इन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश प्रोसीजर फॉलोड ऑन रिसीप ऑफ इशू ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा एंड द मेक दिस ऑब्जर्वेशन टू इवैल्यूएट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. अब जैसे कैश की पेमेंट या कैश रिसीव कैसे किया जा रहा है मटेरियल इशू कैसे किया जा रहा है. जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दिया था समझना. एक होता है जैसे ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये मैं आपको रियल एग्जांपल्स बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ है ना. जैसे मान लीजिएगा कंपनी का परचेज डिपार्टमेंट है या अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना. इनको ना पावर होता है पावर टू परचेज है. अब मान लीजिएगा पावर टू परचेज तो दे रखा है इनको तो मैनेजमेंट इनकी लिमिट डिसाइड करता है. जैसे मैंने कहा अप टू 10 लाख रुपए तक का परचेज जो कि रिलेटेड टू परचेज आइटम्स हैं या फिर अकाउंट्स रिलेटेड जो भी है वो ये लोग कर सकता है. लेकिन अगर इसमें कोई पर्टिकुलर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्टैब्लिश नहीं किया हुआ है तो इसका मिसयूज भी हो सकता है. पूरा पूरा चांसेस है. बात पकड़ में आ रहा है. तो यहाँ पर ये ऑब्जर्व करेगा जब वो टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ देखिएगा ऑडिटर ऑब्जर्व करेगा कि यहाँ पर परचेज डिपार्टमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या प्रॉपरली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश किया है कि क्या परचेज डिपार्टमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट का चेक वर्क जो हो रहा है वो क्या चेक होता है. ऐसा प्रोसेस एस्टैब्लिश किया हुआ है ताकि एक आदमी का काम किया हुआ काम दूसरे आदमी के थ्रू चेक होता हो. इसे बोल रहे हैं क्या एक ऑब्जर्वेशन. तो क्या कह रहे हैं याद करो मेरे साथ में ऑडिटर ऑब्जर्व अ पर्टिकुलर प्रोसेस बीइंग कैरीड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है. जैसे कहा ना क्या कह रहा है ऑब्जर्व द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. खास तौर से किस पे ध्यान जाएगा इसमें कैश है मटेरियल इशू किया जा रहा है रिसर्च जनरेट की जा रही है उसके थ्रू सैंपल. इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन. अब जनरल सी बात है ये कहता है इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन का मतलब है जैसे ज़ूम करिएगा डेटर्स आपने शो कर रखे हैं अपने बैलेंस शीट्स में डेटर शो कर रखे हैं ठीक है. पर डेटर एग्जैक्टली इतना ही है
डेटर मतलब अगर एग्जैक्टली आपका डेटर इतना ही है तो आपको कंफर्म करना है, मान लीजिएगा आपने ऑन रिकॉर्ड से डेटर शो कर रखा है, ठीक है ऑन रिकॉर्ड शो कर रखा है आपने डेटर्स को, लेकिन क्या एग्जैक्टली डेटर्स आपका इतना ही है? ऐसे केसेस में ऑडिटर क्या कर सकता है, कंपनी के ही, जी हाँ कंपनी के एम्प्लॉयज से जो कंसर्न एम्प्लॉयज होंगे या यूजली कंपनी जो डेटर्स हैं मतलब आउटसाइडर्स हैं उनसे इसे कंफर्म करता है ताकि एक सही तरह से इंफॉर्मेशन इवैल्यूएट हो सके। सो इंक्वायरी का मतलब क्या हुआ, कंपनी के इंटरनल मतलब कंपनी के एम्प्लॉय से या डाटा जो आउटसाइड है उनसे कंफर्म करता है। प्लस जब ये इंक्वायरी होगा और ये बात पुष्ट हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगा तो उसे बोलेंगे कंफर्मेशन। इंक्वायरी सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंक्वायरी। फिर कहता है इसी इंक्वायरी के थ्रू क्या होगा, इंफॉर्मेशन कंफर्म की जाएगी। Confirming the information available with the records of the organization or with a person mostly from the outside the organization through the inquiry is a confirmation. ठीक है, जैसे बैलेंस शीट में शो कर रहा है, मान लीजिएगा डेटर्स एज्यूम कर लेते हैं ना, डेटर्स 10 lakh rupees। अब ये अगर है तो ये कंफर्म करेगा, इंक्वायरी करा, इंक्वायरी किया डेटर्स से या कंपनी के यू नो एम्प्लॉय से कंफर्म किया, एंड अगर ये बात निकली तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट स्टेप कंफर्मेशन। The best example for inquiry and confirmation is confirming the balance of the debtors shown in the accounting records with the debtors of the organization. Clear ekdam? So third point kya yaad karna, inquiry and confirmation. Pehla kya yaad kiya tha? Bolo, yaad kar lo abhi ek baar mere sath fatafat se. Ek hi maksad hai, ek class dekha, yaad kiya, revise kiya, test diya, class free. Inspection of documents and records. Aage bolo, fir kya sikha humne? Observation. Fir bolo, kya sikha hum logon ne? Inquiry and confirmation. Next, computation. अब भैया सारा खेल क्या है, calculation का, accuracy test करना है ना। कहता है auditor make appropriate calculation and verify the accuracy of the accounting records. आपने लिख रखा है तो ये थोड़ा मानना है, हमें भी तो check करना पड़ेगा, ठीक है। आओ देखो, for example, auditor computes the depreciation of to be charged for year by taking into consideration the value of the assets, the date of purchase, rate of depreciation, etc. to verify the accuracy of depreciation charged by the organization. You can put the example of depreciation also in your answer sheet. आप लिख सकते हैं, और भी different type of examples हैं, चाहे वो किसी particular purchase transaction को लेके आप verify कर रहे हैं, calculate कर रहे हैं, हाँ related party transaction को लेके value calculate करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, बात पकड़ मारा है। So, computation. क्या करता है computation? Accuracy आपको देता है. Accuracy in terms of किसके बारे में? Accounting records के लिए. And analytical processor. Analytical processor. हम यहाँ पर different type of, you know what, methods apply करके यहाँ पर analysis करते हैं. जैसे, जैसी जो requirement होगी. जैसे, ratio analysis है, variance analysis है, ठीक है? या marginal costing requirements है, तो marginal costing apply करके देखेगा. Depends on जैसे circumstances requirements होंगी। So analytical process में क्या है, analysis है। The purpose of analysis is to ensure consistency of accounting methods and also to evaluate the efficiency of the management by comparing the results of several years। बात पकड़ मारा है? किसी क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि consistency of accounting method, company consistent है with the accounting methods, और फिर क्या देख रहे हैं साथ साथ में, if to किस लिए, evaluate the efficiency, क्या करेंगे, evaluate the efficiency of the management by comparing the several years results. Now several analytical processes as reconciliation होता है, reconciliation, ratio analysis, variance analysis. Auditor also applies analytical processes help the management in decision making. Analytical techniques are marginal costing, standard costing, etc. Again I'm telling you depends on the requirements. तो यहाँ पर एनालिटिकल प्रोसेसर में क्या है, बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ हम अकाउंटिंग मेथड सप्लाई करके जो भी कंपनी यहाँ पर है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पर सही तरीके से कंसिस्टेंटली मैनेजमेंट उन टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहा है। याद रहेगा इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस है, वेरिएंस एनालिसिस है, या डिफरेंट टाइप ऑफ मार्जिन कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इनको अप्लाई करके देखेंगे। ऑलराइट, नाउ Auditor studies nature of the business and also prevailing the circumstances and select the techniques to be applied. While conducting the audit, he may change his techniques according to the changes observed in the circumstances. Suitable audit techniques adopted by the auditor help him to carry on the audit efficiently. अब ये जो मैंने आपको यहाँ कहानी सुनाई है ना, रियलिटी समझना, जब प्रैक्टिकली असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं अकॉर्डिंग टू दैट आप डिसाइड करते हैं कि आप पे किस तरह की एंटिटी है, उसका नेचर क्या है, साइज क्या है, और अकॉर्डिंग टू दैट किस तरह का ऑपरेशन कैरी हो रही है, ये सारी एस्पेक्ट्स कंसीडर करने के बाद ही आप इसमें से यू नो व्हाट आप जनरली आप अप्लाई करते हैं ऑडिट टेक्निक्स। बट जो आपको सामने बताई जा रही है ये कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। सो हमने दो क्वेश्चन हमारे तैयार कर लिए भाई, चलिए आगे और तैयारी करनी है भैया, अभी तो बहुत तैयारी करनी है हमको। नाउ हियर कम्स अ टॉपिक, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लानिंग। देखिए
अब प्लानिंग में एक बात समझेगा, प्लानिंग बेसिकली पर्पस क्या होता है, प्लानिंग का, प्लानिंग का पर्पस क्या है, ताकि आपका जो वर्क है ना, जो भी आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी आप प्रोसीजर यहाँ पे ये प्रोसेस एक्टिविटीज करने वाले हैं, प्लान पहले उसे डिफाइन करेगा, समझेगा, ऑडिट स्कोप जो भी है उसके अकॉर्डिंग ऑडिट प्लान आपको आपका प्रोसेस एंड आपकी एक्टिविटीज को डिफाइन करेगा, ठीक है, ताकि आप उसे टाइमली कवर कर सकें। इसमें क्या होता है, जब आपको पता लगता है कि आपको क्या प्रोसेस और एक्टिविटीज फॉलो करनी है, तो ऑडिटर एग्जैक्टली ये देख जज कर पाता है कि उसे किस तरह की ऑडिट टीम की जरूरत पड़ेगी, और क्या उसकी टीम सफिशिएंट है, क्या स्किल्ड और एक्सपीरियंस मैन पावर उसके पास अवेलेबल है, या हो सकता है उसे किसी एक्सपर्ट या आउटसाइडर का जरूरत पड़े। सो ये बेसिकली कब पता लगेगा, जब आप पर्टिकुलरली ऑडिट प्लान करेंगे। आइए सीखते हैं इसको। ऑडिट प्लान का मतलब क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड एक्टिविटीज। ऑडिट प्लान में क्या है, ये क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, ऑडिट बोलो ना मेरे साथ भाई, ऑडिट प्लान क्या डिस्क्राइब करेगा, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज दैट आर टू बी कैरिड आउट इन कनेक्शन विद द पर्टिकुलर ऑडिट एंड फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ऑडिट। अल्टीमेटली क्या होगा, जब आपके पास प्रॉपर प्लान होगा, जैसे आपके पास स्टडी प्लान होता है, तो आपको गोल क्लियर होता है कि आपको करना क्या है। जब आपको पता ही नहीं होगा आपका स्टडी प्लान के, तो आप गोल कैसा होगा, क्या करना है, क्या करना है। ऑफकोर्स ऑडिट प्लान में भी क्या कर रहे हैं, ऑडिट प्लान क्या करेगा, डिस्क्राइब प्रोसेस एंड एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट। प्रोसेस एंड एक्टिविटीज बोलो ना, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट। वापस से प्रोसेस एंड एक्टिविटीज दैट इज कैरिड आउट, यस दैट आर कैरिड आउट, किस लिए, टू इन कनेक्शन विद अ पर्टिकुलर ऑडिट, इन कनेक्शन विद अ पर्टिकुलर ऑडिट, ताकि क्या हो सके, इंप्रूव करे क्वालिटी ऑफ ऑडिट, इंप्रूव करे क्वालिटी ऑफ ऑडिट। सो क्या कह रहे हैं, वापस एक बार ऑडिट डिस्क्राइब करेगा, ऑडिट प्लान डिस्क्राइब्स व्हाट, process and activities that are carried out, that is carried out in connection with the particular audit and it improves quality of audit. ठीक है सर, अब देखो अकॉर्डिंगली एन ऑडिटर शुड प्लान, ये जो हाईलाइट पॉइंट है ना, ये तो बुद्धि में रखने रखने हैं, ठीक है। Accordingly, an auditor should plan an audit so that it is performed in an effective manner within a defined scope. The audit planning should be also include an overall audit strategy. अब देखो यहाँ से, For effective audit and availability of resources, skill manpower is required. ये कैसे पता लगा, तो भैया जब मेरे पास प्लान था, जैसे मान लो तुमने प्लान किया कि आज तुम ऑडिट पढ़ोगे, ऑडिट पढ़ने के लिए तुम्हें क्या क्या मटेरियल चाहिए, तुमने बुक्स उठाया, तुमने देखा रेफरेंस मटेरियल क्या है वो मैं चेक करूंगा, क्या मैं इसके लिए किसी पर्टिकुलर रेगुलेटर की वेबसाइट को विजिट करूँ, इस सब चीज़ों की तुम्हें जरूरत होगी। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए तुमने क्या किया कि आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, वो क्या कैसे पता लगा, आपके प्लान में क्या लिखा है, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज, ठीक है। सो कहता है कि फॉर इफेक्टिव ऑडिट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज स्किल्ड मैन पावर आर रिक्वायर्ड एंड समटाइम्स अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड टीम मैन पावर आर बिकम अ कॉन्स्ट्रेंट इन केसेस वेयर द ऑडिटर डज नॉट हैव अ इन हाउस एक्सपर्ट। इन हाउस मतलब अपना ही फर्म में ऐसा एक्सपर्ट अगर नहीं है तब, ऑफ सच ऑडिट डिमांड फॉर रिसोर्सेज आर ऑल्सो एक्सीड द अवेलेबिलिटी इन द मेजोरिटी ऑफ केसेस। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आपको जो हाईलाइटेड पॉइंट है इन पर ध्यान रखना और इन्हें लिख के आना है, बाकी रीड में इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाओ, ठीक है। एंड हैंस द ऑडिट फर्म्स नीड टू केयरफुली फॉर्म एन ऑडिट टीम और असाइन द प्रोफेशनल असाइनमेंट्स टू द ऑडिट टीम सो दैट द एडुकेट स्टाफ इज सम ऑफ द मैन पावर एंड रिक्वायर्ड स्किल्स कैन बी डिप्लॉयड ऑन द ऑडिट असाइनमेंट। अब ये नहीं है कि एक टीम पूरी की झुंड बनाकर एक एक काम पे लग गई है, समझना, प्रोफेशनल्स को क्या कहता है, टीम को वर्क असाइन कर दिया जाता है, वर्क असाइन कर देता है। जैसे मान लीजिएगा डिफरेंट से ट्रांजेक्शन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, सो जैसे किसी को अपने फैक्ट्री विजिट्स के लिए भेजा कि फैक्ट्री से रिलेटेड कंप्लायंसेस आप कवर करके लेकर आएंगे, ठीक है। किसी को आपने पर्टिकुलरली यू नो व्हाट ऑपरेशन डिपार्टमेंट से कलेक्ट करने को कहा है, किसी को आपने पर्टिकुलरली मान लीजिएगा एचआर डिपार्टमेंट से कहा है, कोई अकाउंटिंग में देख रहा है, कोई लीगल डिपार्टमेंट में विजिट कर रहा है, सो ये डिफरेंटली उनको आपने क्या कर दिया, वर्क डिप्लॉय कर दिया है। Now, while framing the audit plan, it is required to focus on the availability of skilled audit staff, the time frame for audit performance of the and completion, nature and complexity involved, risk assessment and audit tests to address those risks. क्या क्या चाल ध्यान रखनी है हमें ऑडिट प्लान के अंदर, जब आप ऑडिट प्लान बनाएंगे। वैसे तो हम सारी बातें यहाँ सीखने वाले हैं याद करके, देखो वापस देखो, अवेलेबिलिटी और स्किल्ड स्टाफ, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए आपके पास स्टाफ कैसा होना चाहिए, स्किल्ड। पता लगा अभी अनएक्सपीरियंस जो स्किल्ड स्टाफ नहीं है तो प्रॉब्लम क्या आएगा, आपका वर्क जो आपको ऑडिट का कंप्लीट करना है विद इन टाइम फ्रेम वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। सो ये जरूरी है कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड स्टाफ, बोल सर बोलो अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड स्टाफ, टाइम फ्रेम फॉर ऑडिट परफॉर्मेंस एंड कंप्लीशन कब तक कर लेना है, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व्ड डिपेंड्स ऑन, अगर ह्यूज ट्रांजेक्शन हैं तो ये और भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, रिस्क असेसमेंट्स एंड ऑडिट टेस्ट टू एड्रेस द दोज रिस्क। जैसे कई बार केसेस देखे गए हैं कि कुछ कंपनीज के मान लीजिए कंप्लायंसेस पास्ट यू नो व्हाट 5 ईयर से पेंडिंग चल रहे हैं, अब उसका आप ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है,
तो सर उस पर तो रेगुलेटरी एक्शन लिया होगा जी, सब चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा नॉन कंप्लायंस से कितना पेनल्टी लगने वाला है, इसके ऊपर कहाँ कहाँ फाइन अट्रैक्ट हो गया है ना, सो सब देखना पड़ेगा, जो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और ज्यादा, ठीक है। ऑलराइट, द प्रोसेस ऑफ, अब रीजन है एक्चुअली ना, ड्यू टू प्रोफेशनल एथिक्स आई कैन नॉट टेक द नेम ऑफ माई क्लाइंट, बट ऐसा होता है कि पुराने कुछ पास कंप्लाइंसेज जो कि नहीं हुए हैं उनको अब करना है, ऑफ कोर्स अब उसको अगर वापस से कंप्लाइंट कंपनी बनाना है तो आपको कंप्लाइंसेज करने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा पिछले 4-5 साल में क्या क्या नॉन कंप्लाइंसेज हो गए हैं उसके, और जो पेनल्टीज हैं वो सब कुछ चलेंगी साथ साथ, ठीक है। नाउ प्रोसेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग शुड इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स होंगे, अब चिंता ना करना, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके सामने जो रखे जा रहे हैं सबको समझाऊंगा अभी, और ब्रेक कर रखा है सबको ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो क्या करें, एलिमेंट्स देखेंगे, जैसे कहता है पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए भाई क्या पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे मैंने कहा सेक्रेटरियल ऑडिट कंडक्ट कर रहा है तो उसका पर्पस क्या है, इंश्योर करना क्या कंप्लायंसेस एज पर द लॉ, जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं। अब ये मैंने छोटी सी बात बोली, इसमें बहुत सारी एस्पेक्ट्स आती हैं याद रखना, ऐसा नहीं है मैंने कहा इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ लॉ लिखाएंगे आप इतना सर, नहीं, इंश्योर करने बैठोगे तब पता लगेगा कि भैया रेगुलेट कौन कौन से, तो पहले सेक्टर में आती है, फिर सेक्टर सेगमेंट वाइज कंप्लायंसेज हैं, फिर रेगुलेटर की कोई गाइडलाइंस स्पेसिफिकली तो गाइडलाइंस से कीजिएगा, बात पकड़ में आ रहा है। सो पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, लीगल फ्रेमवर्क अंडर विच द ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड, लीगल फ्रेमवर्क अंडर विच, अब जैसे कंपनीज हैं तो कंपनी के स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, ठीक है, या आप बैंकिंग कंपनी कर रहे हो तो उसके लिए आप आरबीआई गाइडलाइंस को तरफ कंसिडर करोगे, इंश्योरेंस कंपनी के तो आईआरडीए की गाइडलाइंस को भी कंसिडर करोगे, हो सकता है अगर टेलीकम्युनिकेशन में ट्राई की भी गाइडलाइंस को फॉलो करोगे, पकड़ में आ रहा है। सिग्निफिकेंट एरियाज एंड इश्यूज इन्वॉल्व्ड एंड द प्रोसेस एंड टेक्निक्स टू बी अडॉप्टेड, प्रोसेस एंड टेक्निक्स टू बी अडॉप्टेड, जैसे मैंने अभी टेक्निक्स बात करी है, जैसे अभी हमने बात यहाँ पे करी, जैसे अभी मैंने इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स हमने बात किया, कंप्यूटेशन की बात किया, ऑब्जर्वेशन का बात किया, ठीक है, एनालिटिकल प्रोसेस हमने बात किया, बात पकड़ में आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन का बात किया, सो ये हम चेक करेंगे। सो प्लानिंग में बोलो ना, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग के अंदर क्या क्या देखेंगे, ऑडिट प्लानिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से देखेंगे, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव बोलो ना, लीगल फ्रेम अंडर विच ऑडिट टू बी कंडक्टेड, इसके बाद सिग्निफिकेंट एरियाज एंड इश्यूज, इसके प्रोसेस एंड टेक्निक्स टू बी अडॉप्टेड, चार पॉइंट याद हुआ, फिर देखो चार और लोग आगे से कहता, चेक पॉइंट एक्टिविटीज, एक तो होता है चेक पॉइंट एक्टिविटीज, एक होता है थॉरली आपको देखना है, जैसे मान लीजिएगा कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो मटेरियल नेचर नहीं है, जिसका नॉन कंप्लायंसेस ना, यू नो व्हाट, क्योंकि सपोज कीजिएगा वो कंपनी के इंटरनल रूल्स में आता था, ठीक है, अगर इंटरनल रूल्स में, ये नहीं कह रहा कि उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन कंपनी ने एक इंटरनल पॉलिसी बनाई हुई थी, ठीक है, अब वो इंटरनल पॉलिसी जो बनाई हुई है उसका इंपैक्ट बहुत जबरदस्त नहीं है, तो वो चेक पॉइंट में भी कंसिडर कर सकते हैं, बट कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है उसे थॉरली एग्जामिन किया जा सकता है। सो चेक पॉइंट्स एक्टिविटीज, और दोनों इंपॉर्टेंट बात है, चेक पॉइंट एक्टिविटीज यहाँ पर यह भी कहना चाह रहा हूँ साथ साथ में, जहां लगता है कि मटेरियल है तो उसको ध्यान रखा जाएगा, एलोकेशन ऑफ वर्क कंटेंट अमंग द स्टाफ, अब किस किस को क्या क्या काम दिया जाए भाई, स्टाफ टीम जैसी जिस आपके स्टाफ टीम की एक्सपर्टी होगी उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम जो वर्क होगा वो क्या किया जाएगा, असाइन किया जाएगा, अलोकेट टाइम स्केड्यूल फॉर कंप्लीशन ऑफ वेरियस टास्क, डिटरमाइन टाइम लाइन्स फॉर सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट रिपोर्ट एंड डिस्कशन विद द ऑडिटी, हाँ हाँ चल जा भाई, ऑडिटी ऑफ सबमिशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट, चार पॉइंट और ले लो याद करो, बोलो चाहते हैं फटाफट से, चेक पॉइंट एक्टिविटीज, अलोकेशन ऑफ वर्क कंटेंट अमंग द स्टाफ, तो आप यहाँ पे चाहें तो शॉर्ट में भी बता सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अलोकेशन ऑफ वर्क टू द स्टाफ, ठीक है, फिर टाइम स्केड्यूल फॉर कंप्लीशन ऑफ सच ऑडिट एंड डिटरमाइनिंग द टाइमलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट रिपोर्ट, फिर आगे देखते हैं चार पॉइंट्स, एरिया टू बी क्लासिफाइड, रिस्क क्राइटेरिया टू बी अलोकेट सबसुटेबल रिसोर्सेज, रिस्क का मतलब यहाँ पर किस सेंस से है, जैसे इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, या फिर डिडक्शन रिस्क है, चिंता ना करना अभी इसी क्लास में आगे समझा रहा हूँ, ठीक है, डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ डिटेल एग्जामिनेशन कवरेज इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर किसी पर्टिकुलर, जैसे मैं कई बार बताता रहता हूँ, समझो किसी पर्टिकुलर मंथ में एक्सेसिव ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उधर कैसे सैंपलिंग लेनी है, सैंपलिंग के थ्रू आप डिसाइड करेंगे। Alright, evaluation of internal control, professional work carried out by the other agencies, experts, placing the reliance thereon, yeah, modality and consideration and determining the threshold for, जैसे मैंने मान लीजिएगा कहा कि कोई अगर financial transaction up to 2 lakh rupees तक का है तो ठीक है, बोले उसको modality material contract consider नहीं करेंगे, but अगर 2 lakh से ज्यादा का transaction है, ठीक है, also depends on the transaction किसके through किया जा रहा है, कौन party involved है ना,
तब उसको मटेरियल माना जाएगा, उसको थॉरली कंसीडर किया जाएगा। सो यहाँ पे जैसे थ्रेशोल्ड रेफर किया हुआ है, एंड स्ट्रक्चर एंड कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट, ध्यान से रखो स्ट्रक्चर एंड कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट। सो एरिया टू बी क्लासिफाइड एज अ रिस्क, डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डिटेल एग्जामिनेशन, मेटेलिटी यहाँ पे इवैल्यूएशन एंड इंटरनल कंट्रोल एंड प्रोफेशनल वर्क कैरिड आउट। यहाँ पे कीवर्ड्स पे ध्यान रखना, मेटेलिटी कंसिडरेशन एंड ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद द थ्रेशोल्ड एंड स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। अब ये जो मैंने अभी याद करवाया है, कोशिश करिए आप लोगों को याद रखेगा, ये क्वेश्चन अच्छा है बट आपको पता होना चाहिए प्लानिंग क्वेश्चन, ठीक है। आइए अब यहाँ पर एक और बात समझते हैं, कहता है एसेंशियल्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग। एक देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देखो, द ऑडिट प्लानिंग हैव्स टू डेवलप एन ऑडिट अप्रोच विच विल एंश्योर दैट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस इज गैदर्ड टू सपोर्ट द ऑडिट ओपिनियन इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कमेंट In the light of the statement, discuss the essentials of the audit planning. Simple so ekdam. Aao dekho. Kehta for successful audit. Successful audit ke liye kya karna chahiye? Dekhiye. The following points should be considered by auditor. Ab exam mein acha question hai. Yahan pe important mark kar lo. Important mark kar lijiyega. Aaiye. Ho sakta hai aapse ek successful audit ke liye kya important, you know what, elements consider karne chahiye. खास तौर से हम बात करें ऑडिट प्लान के लिए, ऑडिट प्लान सक्सेसफुल करने के लिए। आओ कहता है इंक्वायरी द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, सबसे पहले पॉइंट्स बना लेंगे, इंक्वायरी सॉरी एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, डॉक्यूमेंटेड ऑडिट प्लान, क्लबिंग ऑफ इंटरलेटेड स्टेप्स, फाइनलाइजेशन ऑफ टाइप ऑफ ऑडिट प्लान, इंडिपेंडेंस रिव्यू ऑफ ऑडिट प्लान, सिक्स आएगा फ्लेक्सिबिलिटी, 7 is reaching conclusion and 8 is training and communication to the staff. Aiyye, let's start with the ensuring the quality of audit. Kehta ji kya keh raha hai, audit should be planned in such a manner ensure the high quality of audit in economic efficient effective way in timely manner. Kya keh raha hai, plan aisa hona chahiye na jo timely achieve ho sake, aur sirf timely achieve ho sake, sirf itna hi nahi, उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक हो, एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, कैसा हो, क्वालिटी कैसी हो ऑडिट प्लान की, कि वो इफेक्टिव हो, इकोनॉमिक हो, एफिशिएंट हो और एफिशिएंट इफेक्टिव हो इन अ टाइमली मैनर। सो कह रहा है इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, और इसके लिए ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स है ना ये काम आएंगे ना। सेकेंड आता है डॉक्यूमेंटेड ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान वर्बली नहीं होना चाहिए, है ना, ये आपके वर्किंग पेपर के अंदर होना चाहिए। देखो ऑडिट प्लान शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड शुड बी कैप विद द ऑडिट वर्किंग पेपर्स, बात पकड़ मारा है, होना चाहिए इन फिजिकल एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, सिर्फ वर्बली नहीं होना चाहिए। सो कैसा होना चाहिए डॉक्यूमेंटेड ऑडिट प्लान, इट मस्ट बी कैसा होना चाहिए बोलो मेरे साथ में, मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड एंड किसके साथ होना चाहिए आपके, मस्ट बी कैप विद योर वर्किंग पेपर। Clubbing of interrelated steps and events should be clubbed together. जैसे अगर मान लीजिएगा कोई ऐसे इवेंट्स हैं जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन हुए हैं जो उनमें रिलेशनशिप अराइज हो रही है, जैसे एग्जाम्पल समझ लो, कई बार ऐसा भी देखते हैं ना हम लोग, कोई ट्रांजेक्शन में पहले बी आर लग रहा है फिर एस आर लग रहा है, ठीक है, जैसे बायबैक का डिसीजन लिया है, तो बायबैक का डिसीजन जो कि पहले बोर्ड ने अपनी मीटिंग में लिया होगा और क्योंकि वो 10% से ज्यादा का था तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया होगा, तो दोनों को क्या करना है, ऐसे ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं उन्हें क्लब कर सकते हैं, ऐसे और भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जिन्हें क्लब कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पर याद रखिएगा सेक्रेटरियल ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, फाइनेंशियल ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, फाइनेंशियल ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से यही जो क्लबिंग है ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसके लिए ट्रांजेक्शन डिफरेंट होगा, एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा। नाउ फाइनलाइजेशन type of audit plan, elements of audit plan may be similar to different audit entities, of course ho sakta hai same ho sakta hai different audit entities ke liye bhi, lekin unki content different ho jayenge na, the actual content may differ from the audit to audit enterprise and on the nature type or objective of the audit and authentication assignments. So agar wapas se dekho char points dekhenge, ensuring the quality of audit, documented audit plan, clubbing of interrelated steps, finalization of type of audit plan, ठीक है। फिर कहता है इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ ऑडिट, इंडिपेंडेंट रिव्यू का मतलब क्या है, कोई ऐसा पर्सन जो ऑडिट टीम में नहीं है बट कोई सीनियर है ना ऑडिटर है, वो आपके इस प्लान को रिव्यू करे ताकि अगर कोई कमियां हैं खामियां हैं तो उसमें चेंजेस भी किया जा सके, वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। देखो
Audit plan should be reviewed by the expertise auditor, normally not engaged on the assignment. Their experience may be useful to modify the audit plan to meet the audit objective more vigorously. वहीं आता है फ्लैक्सीबल होना चाहिए. द प्लान शुड बी फ्लैक्सीबल इनफ टू अकोमोडेट द मॉडिफिकेशन विच मे बी नेसेसरी एंड शुड कैरीड आउट. अब अगर चाहते हैं ना इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑन ऑडिट प्लान और फ्लेक्सिबिलिटी साथ में ही आप वर्ड यूज कर सकते हैं. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या, ये थोड़ी ना है कि भैया ये कॉन्क्रीट है अब उसको चेंज ही नहीं हो सकता अंदर. नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ मॉडिफिकेशन बिकॉज आर मेन पर्पस इज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ द ऑडिट. रीचिंग द कंक्लूजन, collection analysis of the facts and data sufficient to reach a reliable and valid conclusion. Depends on audit evidences kis tarah ke mil rahe hain aapko. Training and communication to the staff, auditing staff should be made familiar of the quality of audit policies and procedure of the firm. Hierarchy, responsibility and authority of the decision making needs to be clearly defined and understood by the audit staff. Staff aapka bada important hota hai, yaad rakhiyega, kyunki aap apne jo team ke through ye work perform kar rahe hain to team ko is baat ka knowledge hona zaruri hai. Theek hai, abhi dekho 8 पॉइंट्स है, एक बार मैं चाहूंगा 8 पॉइंट्स पे ध्यान लेके जाएं अपना. ठीक है, अब मैं आपको फिर बोल दूं कॉन्सेप्ट को समझें और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. अपनी लैंग्वेज का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ और ही लिख दो, ठीक है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. जैसे हम पॉइंट्स लिए, मैं बार बार याद करवा रहा हूँ आपको, पॉइंट्स याद हो और एटलीस्ट सब समझ में आए तो आप लिख कर आ सके एग्जाम में प्रॉपर. सो इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, इंश्योरिंग द ऑडिट प्लान सक्सेसफुल करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, डॉक्यूमेंटेड ऑडिट प्लान, क्लबिंग ऑफ इंटरलेटेड स्टेप्स, क्लबिंग ऑफ इंटरलेटेड स्टेप्स, फाइनलाइजेशन ऑफ टाइप ऑफ ऑडिट प्लान, इंडिपेंडेंट व्यू ऑफ द ऑडिट प्लान जो कि किसी सीनियर प्रोफेशनल से लेंगे हम लोग, जो कि हमारी टीम में बेसिकली एंगेज नहीं होगा ऑडिट के अंदर, उससे उसका व्यू लेंगे. फ्लेक्सिबिलिटी ताकि आप ऑडिट प्लान के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकें. रीजनिंग कंक्लूजन आफ्टर एनालिसिस एनालाइजिंग ऑल पर्टिकुलर यू नो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. एंड ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन टू द स्टाफ. अब आता हमारा रिस्क असेसमेंट, ये भी छोटा सा टॉपिक है. अब मैं क्या करूं, मेरा हाथ नहीं रुक पा रहे हैं, छोटा सा इंपॉर्टेंट लगा दो बस. ठीक है भैया, तीन तरीके के हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिडक्शन रिस्क. इतना ध्यान देना है, मैं आगे इतना जरूर कहूंगा कि चलो इस पे याद हो, सीधा याद हो, आ जाओ चलो सीधे समझते हैं. तीन तरह के वैसे होते हैं और भी हैं, यहाँ पे यहाँ जनरली इन्होंने तीन डिफाइन किए, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिडक्शन रिस्क. इनहेरेंट रिस्क क्या कह रहा है, कह रहा है सब्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, सब्सेप्टेबिलिटी ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन टू मिसस्टेटमेंट. सब्सेप्टेबिलिटी समझते हैं, सब्सेप्टेबिलिटी मतलब सेंसिटिव ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन मिसस्टेटमेंट, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन टू मिसस्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद द मिसस्टेटमेंट्स इन अदर ट्रांजेक्शन assuming that there were no related internal control. Inherent risk का मतलब यहाँ पे क्या है, जब ये देखा जा रहा है क्या कि कोई transaction जो कैसा है sensitive in nature, तो कह रहा है sensitive nature, susceptibility मतलब sensitive of a class of transaction to misstatement that could be a material हो सकता है and individually a whether aggregated with a misstatement in other transaction. तो यहाँ पे क्या assume कर रहे हैं, उसको कह रहा है there were no इंटरनल कंट्रोल, कह रहा है जेन्युइननेस ऑफ अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इनहेरेंट रिस्क. फिर आता है कंट्रोल रिस्क, कह रहा है अ मिसस्टेटमेंट दैट कुड ऑकर इन अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड दैट कुड बी मटेरियल इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद मिसस्टेटमेंट ऑन अदर ट्रांजेक्शन. यहाँ पे आप देखिएगा विल नॉट बी प्रिवेंटेड और डिडक्टेड और करेक्टेड ऑन टाइमली बेसिस बाय द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल डिले इन फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स, ये कैसा है, जो आपने भाई आपने देखा कि इसे ऑफ कोर्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर नहीं था, इसीलिए क्या हो रहा है डिले इन फाइलिंग ऑफ द फाइलिंग्स. क्यों कह रहा है, क्योंकि ये प्रिवेंटेड नहीं है, नहीं कंट्रोल हो सकता है. देखो यहाँ पे वापस, मिसस्टेटमेंट दैट कुड ऑकर्स इन अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन दैट कुड बी मटेरियल इंडिविजुअली व्हेन एग्रीगेटेड विद मिसस्टेटमेंट ऑन अदर ट्रांजेक्शन विल नॉट बी प्रिवेंटेड डिडक्टेड और करेक्टेड इन टाइमली बेसिस. वहीं डिडक्शन, डिडक्शन में क्या है, यू कैन टेक सम एक्शन. कहता है एन ऑडिटर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर विल नॉट बी डिडक्ट द मिसस्टेटमेंट दैट एक्सटेंड इन क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन दैट कुड बी मटेरियल इंडिविजुअली व्हेन एग्रीगेटेड विद अ मिसस्टेटमेंट ऑन द ट्रांजेक्शन. फॉर एग्जांपल व्हाइल सर्टिफिकेशन ऑफ ई फॉर्म ऑडिटर हैज ओवरलुक्ड द कंप्लायंस ऑफ द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स. और पकड़ मारा है, इसे बोले डिडक्शन. अच्छा, डिडक्शन रिस्क का पीछे प्रैक्टिकल रीजन भी मैंने ऑब्जर्व किया है. यू नो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आई ऑब्जर्व, क्या होता है जब है ना बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना, प्रेशर है जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम में ऑडिट कंप्लीट करना है. ठीक है,
आपने स्टाफ भी लगा रखा है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्टाफ आपको जल्द से जल्द दे दे सारी मतलब वो अपना वर्क जल्द से टाइम से हम जल्दी कवर कर रहे। तो जल्दबाजी के अंदर भी कई बार क्या होता है कि डिडक्शन रिस्क आपके सामने निकल के आता है, बात पकड़ में आया है। तीन तरीके हम लोग जनरली यहां से देख रहे हैं, कहां पर इनहेरेंट देख रहे हैं, कंट्रोल देख रहे हैं और एक डिडक्शन रिस्क। अब देखो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द मेटलिटी एंड लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क, दैट इज higher the mortality level the lower the audit risk and vice versa. Auditors should take note of the inverse relationship between the mortality and audit risk when determining the nature, timing and extent of the audit procedure. ab sir kya ye exam mein aa sakta hai? haan ji bilkul aa sakta hai, bilkul aa sakta hai. different type of risk, audit risk hum log baat karenge, kaun kaun se ho sakte hain bolo? inherent risk, control risk and deduction risk. you can put the example also. theek hai, कोई किसी भी टॉपिक पे लगता है ना क्लैरिटी नहीं है तो फील फ्री टू आस्क NRK9 व्हाट्सएप जिंदाबाद नंबर शो हो रहा है, पूछो आराम से। चलिए हो सकता है ना कुछ सम सबको क्लियर नहीं हो रही हो, सब बिल्कुल पूछ सकते हैं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑडिट ऑडिटी, आइए फटाफट से सब उनको दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्स। बिफोर गोइंग फॉर द ऑडिट प्लानिंग इट इज नेसेसरी फॉर एन ऑडिटर टू हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिटी एंटिटी एंड इट्स ऑपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले यही होता है कि आपको पता होना चाहिए अपने क्लाइंट के बारे में, ठीक है ना। आज अभी पहले हमने ऑडिट एंगेजमेंट में क्या सीखा था कि प्री एंगेजमेंट मीटिंग होती है विद द क्लाइंट, ताकि आपको पहले आप डिस्कस कर सकें सारी एस्पेक्ट्स, खास तौर से आप ऑडिट के बारे में जान सकें। इसमें क्या क्या बातें कवर करनी, देखो ऑडिट टीम शुड फेमिलाइज विद इटसेल्फ, ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑडिट एंटिटी, क्या 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 एक्टिविटी कर रही है, फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड जनरल लीगल फ्रेमवर्क कवरिंग द एंटिटी ऑपरेशंस। बात पकड़ में आ रही है, तो चारों पॉइंट एकदम कॉमन है, बार बार जो रिवाइज कर रहा हूं अब तक। फिर अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग प्रोसेस एंड डिग्री ऑफ द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट, असेस द ओवरऑल कंट्रोल एनवायरनमेंट इन अ पर्टिकुलर कंट्रोल टू द प्रिवेंट द इररेगुलरिटी मेंटेलिटी एंड फ्रॉड, परफॉर्मेंस प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसेसर एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अकाउंट एरियाज। अब यहां पर समझो कैसे करेंगे, कह रहा है कि सर अगर आपको ऑडिट करना है तो ये सारी एस्पेक्ट्स आपको कलेक्ट करनी पड़ेंगी ऑडिटर ऑडिटी के बारे में, कैसे उसका ऑपरेशन उसका बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप उसे चेक करें, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चेक करें और जनरली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन सा उसका वो चेक करें, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल कंट्रोल एनवायरनमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, परफॉर्मेंस एनालिटिकल प्रोसेसेस, एनालिटिकल प्रोसेस समझ में आ रहा है, अभी डिस्कस किया था, जैसे उसका अकाउंटिंग सिस्टम देखेंगे आप, उसका उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से एस्टैब्लिश किया हुआ है, बात पकड़ में आया। एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकाउंट्स एरिया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या है, बेसिकली एक तरीके की गाइडेंस है, समझना, चेकलिस्ट क्या है, एक गाइडेंस है जो आपको हेल्प करती है आपकी ऑडिट करते वक्त, ताकि आप ये देखो समझो आपको ना समझो आपको कोई पर्टिकुलर चेकलिस्ट आपके पास, अज्यूम करो, चलो एक बार समझो आपको कहा जाए, एक बार ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए, आपसे कहा जाए कि मार्केट से जाके ये 10-20 जो आइटम्स है आपको परचेस कर रहे हैं, ठीक है, अब वो 10-20 आइटम्स आपने बैठे बैठे याद कर लिए कि ये पर्टिकुलर इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है, मान लीजिएगा मेरे घर पे इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है और उसके लिए मुझे ये सारी शॉपिंग करनी है, तो मैंने सिर्फ सोच लिया है, ठीक है, मैंने पर्टिकुलरली कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, अब मैं मार्केट गया मैं उसे परचेस कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सब सिर्फ सोचा हुआ है और मैंने प्रॉपरली उसके बारे में थॉरली कहीं प्रॉपर नोट नहीं किया। अब ऐसे ही जब ऑडिट कंडक्ट किया जाता है तो एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाई जाती है, ताकि आपको ये इंश्योर कर सके कि आपको ऑडिट करते वक्त किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, किस किन इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। सो ऑडिट जो चेकलिस्ट है वो क्या करती है, असिस्ट द ऑडिटर इन कंडक्टिंग द थॉरो सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट ऑडिट, बात पकड़ में आ रहा है, क्योंकि उससे आपको प्लान दिखाई दे रहा है, आपको रोड मैप क्लियर है आपको। नाउ चेकलिस्ट आर यूज्ड टू गाइड एंड हेल्प द ऑडिटर टू असेस द वेदर एविडेंसेस मीट्स द ऑडिट क्राइटेरिया। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट चेकलिस्ट आर यूज्ड टू गाइड द ऑडिटर एंड डू नॉट रिजिडली डिक्टेट एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी ऑडिटेड इन वेरियस इवेंट, एंड ऑडिटर नीड टू चेक द बियॉन्ड द चेकलिस्ट। ऑफ कोर्स चेकलिस्ट क्या है, सिर्फ एक आपके लिए गाइडेंस है, बात समझ में आ रहा है। अकॉर्डिंगली ऑडिट चेकलिस्ट सपोर्ट द ऑडिट प्रोसेस इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट्स एंड हैव देयर ओन बेनिफिट्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। इस बात को ध्यान रखना, ये एक खास बात है, क्या कह रहा है, ऑडिट चेकलिस्ट क्या कर रहा है, सपोर्ट द ऑडिट प्रोसेस इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट्स एंड हैव देयर ओन बेनिफिट्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट।
सो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द व्हाट कंप्लायंसेस वेरियस कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट्स याद रहेगा and it have their own benefits for the performance of audit it have their own benefits yaad rahega acha fir keh dun examples clear hoga ye baat ab kisme kya kya cheeze le lenge dekho benefits kya kya milenge checklist ke kehta promote a planning for audit jab aapko aapka road map clear hoga to aapke liye kya hoga better ye aapko aapka help karega promote a planning for audit ensure a consistent with approach audit approach act as a sampling plan and time manager and serve as a मेमोरी एड अब खुद सोच के देखो मैंने अभी एग्जांपल तो दिया कि आपके घर पे अगर कोई इवेंट होने वाला है तो आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो आपने प्रॉपर एक लिस्ट पेपर कर लिया कि कब क्या क्या खाया जाएगा क्या क्या चीजें होनी चाहिए प्रॉपरली ना तो जब रिकॉर्डेड होगा तो आपके लिए गाइडेंस की तरह काम करेगा सेम ये क्या करेगा आपको क्या कह रहा है इट प्रमोट व्हाट ऑडिट प्लानिंग एंड शॉर्ट कंसिडर विद ऑडिट अप्रोच सैम्पलिंग प्लान टाइम मैनेजर एंड सर्व एज अ मेमोरी एड अब ये क्या कह रहा है Provide a repository for notes collected during the audit process. Repository. कि भैया मुझे एकदम reminder आएगा हाँ भैया ये चीज हमें collect करना है ये हमें evidences लेना है ये information collect करना है ये meeting करना जरूरी है Let's understand it. Audit checklist. Provide assistant to audit process. Auditor need to be trained in the use of a particular checklist and shown how to use it to obtain maximum information by using good questioning techniques. Checklist assists an auditor to perform better during the audit process. Ensure that the audit is conducted in a systematic and comprehensive manner. Adequate evidence obtained. Provide structure and continuity to audit and ensure that audit scope is being followed. Checklist provide means of communication and place record data for use of the future reference. Objective evidence that audit was performed. Provide a record used as an information base for planning future audits. Provided audit ahead of the on-site audits. सर ये 10 पॉइंट्स हैं कि 10 के 10 याद रह जाए हमें अच्छी बात है एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू राइट 6 टू 7 पॉइंट्स ऑन द आंसर शीट अगर क्वेश्चन आता है तो ये लिखना एक्चुअली चाहिए और मैं तुम्हें बताऊं ये सिर्फ इनका हाइलाइटेड पॉइंट्स पे ही फोकस करो ये कीवर्ड्स हैं किसी को चाहिए ना एक बार करो स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट्स को एक बार रीड करके देखो एकदम पक्के से याद होगा ये ओहो चल जाओ All right. So, I hope यहां तक किसी पर्टिकुलर चीज पे डाउट नहीं हुआ होगा ठीक है अगर फिर भी लगता है और एक बात समझो टेस्ट कोई सा मिस मत करो टेस्ट करोगे ना तो तुम्हें क्लैरिटी ज्यादा आएगा तुम समझ रहे हो पढ़ रहे हो याद किया अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं टेस्ट के अंदर उसको लिख के देखो कहीं प्रॉब्लम है ऑफकोर्स तुम्हें हेल्प कर रहे हैं लगातार तब पता लगेगा अच्छे से कि तुम कहां गड़बड़ कर रहे हो क्या हो रहा है टेस्ट मिस मत कीजिएगा गुड बाय टेक केयर